आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। उन्नाव पहुंचे सीएम योगी ने ग्राम प्रधान संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, जहां विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने योजनाओं को गांव तक पहुंचाया है, जिससे गांव में हर योजना का ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। सीएम ने कहा कि गांव की सरकार गांव का प्रधान है, इसलिए काम करने के लिए प्रधान को आगे आना होगा। इस दौरान ग्राम प्रधान ने अपने गांव में कराए गए कार्यों के बारे में बताया और सीएम से बात भी की। जनपद उन्नाव के 119 पूर्व ग्राम प्रधानों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में मुझे अवसर दिया है। जिन ग्राम पंचायतों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल से 5 मई के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य एक मिशन के तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर किया गया। शाहजहांपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पात्रों को आवासीय चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने महज एक वर्ष के कार्यकाल में 4 लाख गरीबों को आवास देकर देश में नंबर एक का स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान बढ़ते प्रदूषण पर उन्होंने जानकारी दी कि प्रदूषण देखते हुए सीएम ने 22 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए 3 करोड़ से ज्यादा लोग चूल्हे बांट चुके। सौभाग्य योजना गरीबों के लिए जिनके पास आज तक आजादी के इतने साल होने के बाद जिनके पास अपना बिजली कनेक्शन नहीं था उन्हें निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दे दिया। शौचालय दे रहे हैं, शौचालय के ऊपर 12,000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें शहरी क्षेत्र में भी सब्सिडी दे रहे हैं, उस शौचालय भी हम दे रहे हैं, मकान भी हम दे रहे हैं, चूल्हा भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं। गाजियाबाद में प्रशासन की संवेदनहीनता का एक मामला देखने को मिला, जहां सिहनी गेट पर जीडीए अपनी जमीन खाली कराने गई थी। वहीं कार्यवाही के दौरान जीडीए ने सड़क के किनारे लगे कई खोखे को तोड़ दिए, जबकि गौरतलब बात यह है कि तोड़ी गई इन दुकानों में कई दुकानें दिव्यांगों की थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि जीडीए ने उनको दुकान हटाने का टाइम नहीं दिया और उनके गले से पैसे भी निकाल लिए। गाजियाबाद पुलिस की साइबर टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी नाइजीरिया और 2 महिला आरोपी तंजानिया की बताई जा रही हैं। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोग सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर उनको ठगने का काम करते हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप और 3 फोन बरामद किए हैं, जिसका इस्तेमाल आरोपी वारदातों को करने में किया करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ के बाद कार्यवाही में लगी हुई है। गाजियाबाद में सुबह होते ही नेशनल हाईवे 24 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार पिकअप लोहे के गाटर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलर में जा घुसी। इस हादसे में जहां 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक दरोगा भी शामिल है, जो पिकअप में बैठा हुआ था। फिलहाल सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा में राय के गांव केसरगढ़ी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं एक पीड़ित ने बताया कि वह अपनी जमीन को बेचने के लिए गया था, जहां दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। खेलों की दुनिया में मथुरा के ब्रज के युवा लगातार बुलंदियां छू रहे हैं। वहीं ताजा उपलब्धि दीनदयाल धाम नगला के युवा संतोष पाठक के नाम दर्ज हुई, जिसने नेपाल में हुए इंडो नेपाल गेम्स में बॉक्सिंग और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया। वहीं उन्होंने फाइनल में नेपाली खिलाड़ी से मिली कड़ी टक्कर के बाद 3 बाउट जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं अब संतोष को नेपाल में ही 2019 में होने जा रहे साउथ एशियन गेम्स में भाग लेने का निमंत्रण भी मिला है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इंद्रधनुष योजना के तहत कराए गए टीकाकरण से 1 बच्ची की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। मामला बहराइच के ब्लॉक शिवपुर में ग्राम रामपुर धोबिया हार का है, जहां ANM द्वारा बच्चों को लगाए गए टीके से 1 दर्जन बच्चे बीमार हो गए और 1 बच्ची की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ANM भी मौके से फरार हो गई। तो दूसरी तरफ इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस को 1 बाइक और 1 तमंचा बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाशों पर करीब 1 दर्जन लूट और डकैती के मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
हमीरपुर में सुमेरपुर के कुंडौरा गांव में हुए एक सड़क हादसे ने तीन घरों के चिरागों को बुझा दिया। दरअसल एक कंटेनर ने कार को सामने से टक्कर मार दी, जिससे कार सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कौशाम्बी में ननिहाल आई किशोरी को अगवा कर उसके साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। घटना मंजनपुर गांव की है, जहां पीड़िता स्कूल की छुट्टियों में अपने ननिहाल आई हुई थी। वहीं गांव के ही तीन युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे अगवा कर लिया, जिसके बाद सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप का प्रयास किया। बागपत में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां एक गर्भवती महिला को डॉक्टर के नहीं होने की बात कहते हुए सीएचसी से जिला अस्पताल भेज दिया गया। साथ ही पीड़िता को एम्बुलेंस भी देने से इनकार कर दिया गया। वहीं रिक्शा द्वारा जिला अस्पताल ले जाते समय बी सड़क पर गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद परिजन महिला और नवजात को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी महिला को बड़ी मिन्नतों के बाद भर्ती किया गया, लेकिन कुछ देर बाद नवजात को मृत बताकर वापस भेज दिया गया। हालांकि मामले के करीब तीन घंटे बाद नवजात ने दम तोड़ दिया। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।